रे उच्चा डाला पीपल काक दे झूल घला रे पावन गज के है दमन की कदे झोल पड़ा करती रे भाइयो झोल पड़ा करती कि बावन गज के दमन की कदे झोल पड़ा करती। आजकल छोरियां में खुद में 52 किलो वजन नहीं 52 गज के दमन कितने फेरेंगे ये देख लो। एक भी अगर 48 किलो तो फालतू हो तो देख लो। रे पावन गज के है दमन की कदे झोल पड़ा करती रे लोगो झोल पड़ा करती। अच्छा एक बार ये बताइए ये रागनी किस किसने सुनी एक बार हाथ उठा करके दिखाइए जी मेरे को जिसने भी सुनी है क्या बताया। रे ऊंचा डाला पीपल का कद झूल खला करती हाय ऊंचा डाला पीपल का कद झूल खला करती रे पावन गज के दामन की कद झोल पड़ा करती ओ झोल पड़ा करती ऊंचा डाला पीपल का कद झूल खला करती हाय झूल खला करती रे पावन गज के दामन की कद झोल पड़ा करती ओ झोल पड़ा करती। और जी पहला बदलाव सजनों कहां पे बताया कवि ने सासरे में बिल्कुल मिठा करके समझ में आना चाहिए ध्यान से सुनना जी। सासरे में घी बूरा की गल्या रोटी खानी रे क्यों ताऊ जी याद करो पहले ससुराल में जाया करते ऐसा होता कि नहीं। आजकल ससुराल में जाए तो कोई काजू की बर्फी लाके दर देगा कोई कुछ लाके दर देगा भूल के मीठे चावल बनाया करते घी खांड गाल के दिया करते क्या बताया। सासरे में घी बूरा की गल्ला रोटी खानी रे बस अड्डे पचड़ाया करती टैर बगैर कपाणी रे बस अड्डे पचड़ाया करती टैर बगैर कपाणी रे बस अड्डे पचड़ाया करती टैर बगैर कपाणी रे। फिर 5-7 लुगाई इकट्ठी हो जाया करती और उस बाण व्यक्ति ने छोटे ने जाया करती। आजकल नहीं बेरा पाटता जिसकी भी शादी वो सब नकार देते हैं बेरा ने बाण व्यक्ति के दायर कर चली गई कोई पता नहीं चलता। लेकिन पहले 5-7 लुगाई इकट्ठी होकर के बस अड्डे तक जाया करती उसको छोड़ के आया करती क्या कहती। रे राजी रहिए बेटा जा तू बोल पड़ा करती राजी रहिए बेटा जा तू बोल पड़ा करती रे पावन गज के दामन की कद झोल पड़ा करती ओ झोल पड़ा करती रे ऊंचा डाला पीपल झूल गला करती मैं झूल गला करती रे पावन गज के दामन की कद झोल पड़ा करती ओ झोल पड़ा करती। जब भी नई नई शादी आया करती दुल्हन आया करती अगहा भी राम स्वरूप की शादी हुई उसका बहू आ गई भाई आते ही सिर पर गड़ा दर दिया करते जा भाई कुएं बाजार पानी लिया। आजकल घर घर नलके हो गए एक एक साल दो दो साल तक पता नहीं चलता कि राम स्वरूप की बहू कौन सी है। लेकिन पहले दूसरे दिन नजर आ जाया करती सिर पर गड़ा दरे अगर राम स्वरूप की बहू आ जा रही है पानी लेके कैसे नई बहू का ओ दोपहर के वो पनघट पे जाना रे नई बहू का ओ दोपहर के वो पनघट पे जाना रे और उसी काल में बैठ कमारी सीफ की बाजी लाना रे ओ उसी काल में बैठ कमारी सीफ की बाजी लाना रे उसी काल में बैठ कमारी सीफ की
के ढंग बोल कबाजी करती रोल पड़िया करती के ढंग बोल कबाजी करती रोल पड़िया करती ओए पावन गज के दामन की गज झोल पड़िया करती जोगो झोल पड़िया करती ऊंचा डाला पीपल का कद झोल गला करती कद झूल गला करती रे पावन गज के दामन की कद झोल पड़िया करती ओह झोल पड़िया करती बहुत बढ़िया क्या बात है जी बहुत बढ़िया और पहले के जमींदारे में तीसरी कली में कवि ने पहले के जमींदारे में और आज के जमींदारे में फर्क बताया जी। पहले जमींदारा करया करते पता चलता था कि हाथ देखा करते हथमाटन पाया करते, लेकिन आजकल के जमींदार सफेद कुर्ता पजामा गाड के जाए ट्रैक्टर लेके भैया गेहूं ये गेहूं काटने हैं उरे का बांध लगानी है उरे के शीर्षी बोनी है, मतलब कोई भी हाथ का काम नहीं। जमींदारे का फर्क देखो जी, पहले क्या होता था कंधे जुआ हल्दर लिया करते कंधे के ऊपर और ऊंट की लगाम पकड़ लिया करते सुबेरे ले निकल जाता, पता चलता कि हाँ भी राम स्वरूप जा रहा है आज खेती कर क्या होगा बांध लगा क्या होगा ऊंटड़ी तो कैसे कंधे जुआ धर के सुबेरे खेत मजाया करते रे कंधे जुआ धर के सुबेरे खेत मजाया करते शिशम नीचे शिखर दोपहरी जोटा लाया करते रे शिशम नीचे शिखर दोपहरी जोटा लाया करते रे शिशम नीचे शिखर दोपहरी जोटा लाया करते रे। और फिर लुगाई आया करती वन्यू नहीं देखा करती कि 12 बजे तक ही हो बाल लगान लाग रहा था हड़ बाण लाग रहा था शिशम नीचे बैठे ने जरूर देख लिया करती आके के क्या करती क्या कहती वो रे हुक्का छोड़ का काम लाग जा रोज लड़ा करती हुक्का छोड़ के काम लाग जा रोज लड़ा करती रे पावन गज के दामन की गज झोल पड़ा करती ओहो झोल पड़ा करती रे ऊंचा डाला पीपल का गज झूल गला करती और सुनारे झूल गला करती रे पावन गज के दामन की गज झोल पड़ा करती यारो झोल पड़ा करती। सोमार करया करती कि हे भगवान मन अच्छा सा आदमी मिले अच्छा सा पति मिले सिर पर चुन्नी गेरा करती लंबा टिक्का काटया करती। आजकल का वो भी ढंग बदल गया, पढ़ी लिखी होगी लड़की सारी की सारी मंदिर के सामने से निकलेंगी हनुमान जी कैसे और हनुमान जी करेगी हाय अन्नू देख लिए मेरे खातिर भी कोई बढ़िया सा, मतलब यो भी बदलाव आया लेकिन बदलना भी चाहिए समय के अनुसार। चेंज प्रकृति का नियम है, समय के अनुसार बदलना ही प्रकृति का नियम है, तभी इंसान प्रोग्रेस कर पाएगा नहीं तो नहीं। आखिरी बात में क्या बताया जी सिर
ਆਇਆ ਸ਼ਰਮ ਤਾਰ ਧਰਦੀ ਲੋਕੋ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਲੂ ਸਰਕ ਲੀ ਆਇਆ ਸ਼ਰਮ ਤਾਰ ਧਰਦੀ ਰੇ ਪਾਵਨ ਗਜ ਕੇ ਦਮਣ ਕੀ ਕਦੇ ਝੋਲ ਪੜਿਆ ਕਰਦੀ ਝੋਲ ਪੜਿਆ ਕਰਦੀ। ਅਗਰ ਰਾਗਨੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤੋ ਤਾਲੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪ ਲੋਕੋ ਕਾ। ਰੇ ਉੱਚਾ ਡਾਲਾ ਕਦ ਝੋਲ ਖਲਿਆ ਕਰਦੀ ਕਦ ਝੋਲ ਖਲਿਆ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਪਾਵਨ ਗਜ ਕੇ ਦਮਣ ਕੀ ਝੋਲ ਪੜਿਆ ਕਰਦੀ ਲੋਕੋ ਝੋਲ ਪੜਿਆ ਕਰਦੀ ਝੋਲ ਪੜਿਆ ਕਰਦੀ ਯਾਰੋ ਝੋਲ ਪੜਿਆ ਕਰਦੀ ਝੋਲ ਪੜਿਆ ਕਰਦੀ।